हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा यहीं कहीं घूमने, शिमला की तरफ। तो आज मेरे साथ है मेरा भाई एक अंकुर है, उसके पास KTM 250 है, और एक मेरा ब्रदर और है, उसके पास यामा FZ है, तो और मेरे पास 200 RC है। तो अभी देखते हैं हम कहाँ किस तरफ जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो अभी हम जरा बैठ के थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हम किस साइड को जा रहे हैं। तो गाइज, हम अभी ना गल्लू पहुँच चुके हैं। तो हमारा डिसाइड ये हुआ कि हम जाएंगे पोटैटो रिसर्च सेंटर, यहीं कुफरी में। तो अभी हम जा रहे हैं। तो एक्चुअली में थोड़ा सा दिक्कत ये आई, पहले वाली वीडियोस की क्लिप अच्छी नहीं आई है, क्योंकि जो हमारा जो कैमरे का एंगल था वो ज़्यादा अच्छा सेट नहीं हो पाया था। तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने कैमरे का एंगल सेट किया, तब जाके इतनी सी वीडियो बनी है। बाकी अभी मेरा थोड़े टाइम में GoPro मेरा आ जाएगा, तो उसके बाद काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएगी। तो यार, कैमरा क्वालिटी के लिए मैं सॉरी फील करता हूँ आप लोगों से। तो बाकी की वीडियो आप देखो। अभी हम पोटैटो रिसर्च सेंटर जा रहे हैं। तो गाइस, जिस रोड से हम जा रहे थे, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रोड के ना बहुत बुरे हाल थे। तो यहाँ पे काफ़ी जगह पे बाइक ना काफ़ी ज़्यादा स्किड हुई थी, ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, और साथ में उससे पहले बारिश हो रखी थी। तो यहाँ पे पूरे रास्ते में मड्डी मड लगा हुआ था। तो मतलब जैसे मैं ब्रेक मारा था तो थोड़ी स्लिप कर दी थी बाइक बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं रुकी गया। तो फिर यहाँ से पीछे से दूसरे फ्रेंड्स मेरे और आ रहे थे, तो उनको मैंने यहाँ से आगे जाने दिया, फिर मैं उसके बाद यहाँ से चल रहा हूँ। तो आप आगे देखिए, रोड के बहुत बुरे हाल थे, बट यहाँ जो इधर से जो आगे जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा प्यारे, वो आप इंजॉय करोगे। हाँ, हमने तो टॉप पे ओपन छाई। कहाँ से रास्ता? यहाँ से चढ़ जाएगी, यही चढ़ेगी, नहीं नीचे लगनी है। हाँ, मस्त जगह है भाई यहाँ पे। ये तो वो गिल्ली होनी जमीन। हाँ, क्या ही फायदा ले जाके, है ना। बंदा ही कर दिया उन्होंने, बंदे जाते हैं ऊपर को, तो बंद कर दिया उन्होंने। आगे कोई चलते हैं ना, आगे कोई चलते फिर। चलो आगे को चलो। ये जगह क्या बोलते, क्या नाम है इधर का? देशु माता टेम्पल। तो गाइस, अभी हमें देशु माता टेम्पल, ये आपका कुफरी से कितने किलोमीटर आ गया? 3-4 किलोमीटर है गाइस ये। चलो आगे चलो, अब कहाँ जा रहे हैं हम आगे? पोटैटो रिसर्च सेंटर। चलो फिर, आगे आ जा, थोड़ा ही आगे आ जा। ये देशो माता टेम्पल के लिए ऊपर को रास्ता भी जाता है ना। We gotta take a night train to the other part of the city to rock up the fucking ancient walls. We gotta take a night train to the other part of the city to make the streamers stick down in.
अल्लाह जी क्रैश हो गए क्रैश हो गए क्रैश हो गए क्रैश हो गए। लगी तो नहीं, तो तेरा ध्यान कहाँ था? अरे मैं तो परे देख रहा था, इधर किसको दिख रहा था डंडा? लाइट तो नहीं गई? चल रुक 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 रुक, ऐसे चकना पड़ना है इसको थोड़ा सा। रुक रुक रुक, दो मिनट रुक, दो मिनट रुक, ले चल अब चक। रुक ले, तो गाइस ये कंटेंट मिल गया मुझे, ये मेरे को कंटेंट मिल गया कि वो लाइव क्रैश। बाकी तो कहीं नहीं लगी ना, चलो पीछे करो इसको, लगा देते ऊपर को। गया गाइस, ये तो नुकसान हो गया, यहाँ से लग गई ये तो। इसमें तो टेप लगा लियो, चल एक ही चेंज करना पड़ेगा, तो टेप लगा लियो यहाँ पे, येलो ऑरेंज सॉरी वो लगाऊंगा यहाँ पे दूसरी वाली टेप। भाई बाकी तो मैंने बचा दी थी, अब कहाँ तेरा ध्यान कैसे हुआ हुआ क्या तेरे को? अरे मैं परे को देखो, मैं ऐसे थोड़ा था, कम स्पीड में था, मैंने खुली छोड़ी हुई थी। हाँ। और मैंने वहां से स्कूट मारा शाइन करते हुए यहाँ पे और सीधे धूप पार। नहीं नहीं चल पीछे कर इसको, मैं इसको पार डालता हूँ डंडे को, यही लगाते इसको साइड में। इसको तो कुछ नहीं, वो बच गई भाई, बच गई। चल होता रहता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। पहली बार ही होगा मेरे साथ आज। चल कोई नहीं, मैं कह गई लाइट है? नहीं नहीं भाई, इसको भी नहीं हुआ कुछ यार, तो गाइस लाइट है बच गई इसकी। नहीं भाई लाइट भी गई, लो शिट लॉक गया इसका, लॉक नहीं गया। ये बेल्ट करवा, प्लास्टिक बेल्ट कराइए इसको। 4 बजे भाई उसमें, अरे देख जाने तो देते, पर आजकल उन्होंने बंद किया हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा चल कोई नहीं, बच गया। ये तो पूरी करनी पड़नी थी मेरे को, दिखा जरा। तो गाइस ये यहाँ से गया, कुछ नहीं इंश्योरेंस में रहूंगा मैं, अभी सुन दे डंडे गए इंश्योरेंस। तो हमारी 250 का क्रैश हो गया आज गाइस, छोटा सा। तो गाइस अभी हम पोटैटो रिसर्च सेंटर पहुंच गए और यहाँ पे ना मेरे भाई का थोड़ा सा क्रैश हो गया, तो इसका क्रैश हो गया, बाइक का क्रैश हो गया, भाई का क्रैश नहीं हुआ, बाइक का क्रैश हो गया। तो इसके थोड़ा सा देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो इसमें गया है। तो इसका ये वाला पोर्शन गया है और एक इसकी हेडलाइट का ये टूट गया है, ये पूरा चले गया है इसका। बाकी तो ठीक है, ये बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ओके है। बाकी चलो ये तो होता रहता है, चलो खुद बच गए, बाकी तो चलता रहता है सारा लाइफ में। बाकी अब व्यू देखो यार गाइस, देखो ना आप यहाँ पे देखो कैसा मौसम है, और इधर को देखो कैसा मौसम है, और सामने देखो इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट वहाँ पे सामने ना बारिश नहीं, धूप लगी है, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, और इस साइड को बारिश हो रही है, बादल देखो कैसे आ रखे। तो गाइज मैं अभी घर पहुँच रहा हूँ जस्ट ही, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10 बज रहे हैं। तो यार आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन बस एक थोड़ा सा वो जो एक्सीडेंट हुआ भाई का, एक्सीडेंट तो क्या मतलब, बिल्कुल बजी तो हल्के से है बाइक, लेकिन ना उसका हेडलाइट टूट गई है और टैंकी का फेयरिंग सा होता है जो लगा होता है ड्यूक में, वो टूट गया है। दो चीज़ें गई है उसकी, बाकी तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो खुद भी बच गए, तो बिल्कुल आराम से स्किट होगी बाइक। तो वो अपने ध्यान में चल रहा था, आगे पाइप लगी थी तो वो दिखी नहीं हमारे को, मुझे भी नहीं दिखी, किसी को भी नहीं दिखी वो पाइप, तो उस वजह से थोड़ा सा वो बच गया है उसमें। तो बाकी चलो छोटा मोटा तो चलता रहता, बाकी आज की राइड बहुत ज़्यादा इन्जॉय की हम लोगों ने, बाकी कोशिश मैंने भी करी है कि मतलब मोटो व्लॉग करने की, मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन एक्चुअली में मेरा थोड़ा कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था, तो जिस वजह से वीडियो थोड़ी प्रॉपर नहीं बन पाई है। लेकिन आने वाले टाइम में ना मैं गोप्रो आ जाएगा तो उसे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएगी, तो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह लेके जाऊँगा मैं आपको शिमला में, काफ़ी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। तो बाकी तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मुझे और क्या क्या काम करना चाहिए इसके ऊपर।
क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है कि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कतें रह जाती है, तो आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा उस चीज़ का। ठीक है, बाकी जल्दी आज का व्लॉग मैं यहीं भी ख़त्म करता हूँ, बाकी जल्दी मिलते किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।